हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर संजीव गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिष्टाचार भोपाल। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड एक्सटेंशन ऑफ ए टेपर बार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बार्स आर सीरीज एंड पैरेलल एंड कंपाउंड बार्स। एक हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखा था जो कि था एक्सटेंशन ऑफ टेपर बार। हमने कुछ कंडीशन बताया था, यदि आपकी बार डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन दिए हों और उन डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट लोड्स दिए हों, तो उसमें हमने लोड को हमने कंडीशन बताया था, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल स्ट्रेन इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन ड्यू टू इंडिविजुअल लोड्स। बार्स आर सीरीज एंड पैरेलल, यदि आपके बार सीरीज में हो, सीरीज का मतलब हुआ कि जब आपका लोड जो हो एंड टू एंड हो और आपकी जो बार यदि सरफेस टू सरफेस है तो आपका कहलाएगा पैरेलल बार्स। और कंपाउंड बार, उसको इसलिए हमने एक डिफरेंट कंडीशन देखा था। कंपाउंड बार के लिए जो आपका लोड होगा दैट इज एल्जेब्रिक सम होगा, और स्ट्रेंथ जो होगा हर सेक्शन के लिए आपका डिफरेंट होगा। उसी बेस से जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे सीरीज और पैरेलल बार्स, इस कंडीशन में हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम देख लेते हैं। दैट इज सिग्मा, सिग्मा दैट इज स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए, स्ट्रेन दैट इज चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने देखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वी नो दैट सिग्मा दैट इज स्ट्रेस पी अपॉन ए स्ट्रेन चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमने दैट इज कैपिटल ई यंग मॉडुलस, आल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन दैट इज स्ट्रेन। सिग्मा का वैल्यू पी अपॉन ए, एप्सिलॉन का वैल्यू डेल अपॉन एल, दोनों वैल्यू को पुट कर दिया तो हमें डेल एल या चेंज ऑफ लेंथ मिला, या इलांगेशन बोलते हैं इसी को, पी एल अपॉन ए ई। बस स्टूडेंट ध्यान, कुछ हमने यहाँ पे लिखा यूनिट्स को, ये क्लियर, इसको थोड़ा सा माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि न्यूटन पर एम स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ज़्यादातर डायमेंशंस आपको न्यूटन पर एम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिए होंगे, यहाँ पे मेगा पास्कल या किलो पास्कल होंगे। तो यदि आपको चेंज करना होगा, जैसे 1 न्यूटन पर mm² इक्वल टू, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो 1 मेगा पास्कल, आपका लोड दिया हो मेगा पास्कल में, तो उसको हम लिख सकते हैं। और सारे डायमेंशन यदि आपको दिए हों एमएम में या मीटर में, तो अगर आपको एमएम में दिए हों तो 1 इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर mm², यानी मींस 1 न्यूटन पर mm² इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। तो आपको चेंज करना हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, 10^6 का इस पर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कहला जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। सेम अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हो वैल्यू, सारे डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में हो, लोड भी आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उस कंडीशन में आप वैल्यू लिख सकते हो 10^5 पास्कल या 0.1 न्यूटन पर mm² या 1 kg/cm². तो जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स मिलेंगे, तो उनको कन्वर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आज देखते हैं एक न्यूमेरिकल्स। इसमें कुछ और फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि आप यदि आपके बार के डायमेंशंस इवन एरिया आपका सेम हो, उस कंडीशन में जो आप आपका लोड डिफरेंट है, P1, P2, P3, P4, P5 लोड डिफरेंट है, लेंथ भी डिफरेंट है L1, L2, L3, L4, तो आपका फार्मूला हो जाएगा तो 1/AE, मींस E अगर सेम है तो मतलब मटेरियल भी आपका सेम है, एरिया A कैपिटल A कॉमन है तो मतलब आपका सबके डायमेंशंस एरिया आपके सेम होंगे। P1 L1 डिफरेंट है तो यहाँ P1 हमने फार्मूला भी देखा था जस्ट पीछे, डेल L इक्वल टू या डेल्टा इक्वल टू PL/AE, ये साइन रिप्रेजेंट करता है दैट समेशन एल्जेब्रिक सम PL/AE, P1 L1 + P2 L2 + P3 L3 up to P1 PN LN। यदि आपको डिफरेंट डायमीटर दिया हो तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमने ए को सेम किया था, यहाँ पे ए आपका डिफरेंट हो जाएगा। इस डायग्राम से लोड सेम है तो लोड मे या मे नॉट बी सेम, तो लोड आपको सेम भी हो सकता है, जब सेम होगा तो कॉमन निकाल लेंगे, डिफरेंट होगा तो हम ऐसे सेक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे। एक न्यूमेरिकल जिसमें आपको डिफरेंट लोड दिए हैं, ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ऐसे न्यूमेरिकल्स कई बार गेट में IAS में आ चुके हैं, बस आपके डायमेंशन चेंज होते हैं। उस न्यूमेरिकल में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन दिया हो तो हम चेक करेंगे कि आपका न्यूमेरिकल दिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, उसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कि आपका जितनी भी लोड है उन सबका जिसका डायरेक्शन आपके बाएं हैंड साइड जाए इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम चेक करते हैं पहले 10 kN लेफ्ट हैंड, 5 kN लेफ्ट हैंड, 3 kN राइट हैंड एंड 12 kN राइट हैंड। तो हम जो आपका लेफ्ट हैंड साइड एरो, मतलब कि आपको बॉडी को कोई पुल्स करे या पुल, दो तरह के लोड होते हैं पुश और पुल,
तो जब आपको बॉडी को पुल कर रहे हैं तो हम एक्सा ले लें, 10 एंड 5 हमने ऐड कर दिया, द टू वर्ड्स लेफ्ट, देन आपका टू वर्ड्स राइट, 3 एंड 12 यानी 15, तो आप हमारा दोनों साइड है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, राइट हैंड साइड मीन्स आपका जो लोड है द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब हम बॉडी बनाते हैं क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हर सेक्शन का हम एक डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन सेक्शन लेंगे और उन सब में लोड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाएंगे। पहले सेक्शन लिया ए बी, ए ए एंड पे लोड है 10 किलो न्यूटन, बॉडी को क्या कर रहा है पुल, दैट इज टेंसाइल नेचर। तो हमारे दूसरे एंड पे लोड क्या होगा, टेंसाइल नेचर होगा। उस कंडीशन में जितने भी आपके बी सी डी लोड को होंगे, अगर आपको जो पुश कर रहे होंगे तो माइनस साइन, जो पुल कर रहे होंगे तो प्लस साइन। तो 3 द बॉडी को क्या कर रहा है पुल, प्लस 5 बैक पुश कर रहा है बॉडी को माइनस साइन, 12 दैट इज बॉडी को पुल कर रहा है दैट इज 12 प्लस साइन। तो 3 माइनस 5 प्लस 12, तो यहाँ पे लोड कितना होगा 10 किलो न्यूटन, 10 10। देन आपका सेक्शन बी सी, सेक्शन बी सी में 3 दैट इज बॉडी को क्या कर रहा है पुश, 5 बॉडी को क्या कर रहा है पुश, 12 क्या होगा आपको बॉडी को क्या कर रहा है पुल, 10 ये भी आप बॉडी को क्या करेगा पुल करेगा। तो जब हम बी सी सेक्शन लेंगे तो ए और बी सेक्शन लोड को हम ऐड करेंगे इधर, और जब हम इस सेक्शन के लिए सी डी के लिए सी और डी लोड को ऐड करेंगे, एड मतलब प्लस या माइनस होगा कंडीशन टू पुश आर पुल। जब बी सेक्शन में आए लोड 10 किलो न्यूटन प्लस साइन होगा 3 दैट इज आप बॉडी को क्या कर रहा है, इस बॉडी को कंप्रेस कर रहा है मीन्स आप पुश कर रहा है, तो यहाँ होगा माइनस, या डायरेक्शन ले सकते हैं टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट, आपका लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है, तो एक को प्लस एक को माइनस, यहाँ कितना हुआ -3 + 10 = 7। सेम सिमिलरली -5 आप +12 दैट इज 7 किलो न्यूटन। सिमिलरली सेक्शन सी डी, एक एंड पे लोड है आपका 12, दो एक एंड पे हमने 12 किलो न्यूटन लिख दिया। देन सी डी के लिए, सी डी सेक्शन के लिए कि हम 10 को भी ऐड करेंगे, 3 को भी करेंगे, 5 को भी ऐड करेंगे, बस देखना है कि 10 और 5 एक डायरेक्शन में है तो प्लस, 3 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 12 12। या दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि आप हमेशा एंड सेक्शन को ए बी, यहाँ पे जैसे तीन सेक्शन है ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इन सेक्शन को पहले ही बना लें। जैसे एंड पे यहाँ पे 12 है तो दोनों एंड पे 12 ही लोड होगा, यहाँ पे एंड में 10 किलो न्यूटन है तो दोनों एंड पे 10 किलो न्यूटन होगा। तो हम पहले सेक्शन फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिख दें, देन सेकंड को बी और सी को जब भी आपको करना हो तो बस इतना ध्यान रखिए कि लोड दो होगा दोनों एंड पे सेम होगा। जब भी लोड को आप प्लस या माइनस करें, जैसे यहाँ 5 है तो 5 आना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 3 आना चाहिए। क्लियर। अब हम चेक करते हैं, हमें तीनों सेक्शन के लिए लोड मिल गए 10, 7 एंड 12 किलो न्यूटन। तो हमें लोड मिल गया, लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 mm, क्वेश्चन में ऑलरेडी 6 mm लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका है, डायमीटर दे 50 mm, डायमीटर दिया 50 mm, ई की वैल्यू 2 × 10^5 N/mm², बस यानी 2 × 10^5 N/mm². नाउ द पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, दैट डेल एल इक्वल टू डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री इक्वल डेल एल वन माइनस पी वन एल वन अपॉन ए ई, पी टू एल टू अपॉन ए ई प्लस पी थ्री एल थ्री अपॉन ए ई। ए सेम है हर डायग्राम में, ई की वैल्यू सेम है, तो हमने सेम जैसे हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में एक डायग्राम दिखाया था, फॉर्मूला दिखाया था, वैसे हम पी की एल की वैल्यू पुट कर देंगे। पी वन पहले सेक्शन के लिए 10 किलो न्यूटन, तो हमने इसको चेंज किया न्यूटन में, तो 10 × 10^3 ये हो गया एम एम। सिमिलरली प्लस 7 किलो न्यूटन, तो 7000 × 900, एल टू की वैल्यू 900। देन आपका 12 किलो न्यूटन, 12000 × 500। ए कैसे निकालेंगे, ए के लिए पाई बाय 4 d² डी की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 1963.5। ई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10^5, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 0.047 mm, दैट इज टोटल इलांगेशन ऑफ दी बार। एक दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको सीरीज में कंसीडर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को आप पैरेलल बार में कंसीडर कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि आपको तीन बार हैं, जिसमें दो आपके स्टील के बार हैं, एक कॉपर बार है। क्वेश्चन में लोड लोड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 mm डायमीटर सपोर्ट ए लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन। तो पहले क्या है, 25 किलो न्यूटन आपको इसमें लोड लगा हुआ है। इनिशियली ऑल द रॉड्स आर एडजस्टेड टू शेयर द लोड इक्वली, इनिशियल कंडीशन में जो आपका रॉड्स है एडजस्ट करने के बाद जो लोड आपका इक्वली शेयर कर रहे हैं। निगलेक्टिंग एनी चांस ऑफ बकलिंग, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं कि जैसे बकल मतलब कोई चीज़ को झुकना,
तो आपका ये बैंड आपका नहीं होगा। ई के बिलो दिया है आपका ई फॉर स्टील के लिए 205 गीगा पास्कल और ई फॉर इसी मतलब कॉपर 100 गीगा पास्कल। डिटरमाइन द फाइनल स्ट्रेसेस व्हेन ए फर्दर लोड, आपको फाइनल स्ट्रेस कंसिडर करना निकालना है जब आपका लोड दिया हो 20 किलो न्यूटन इज एडेड, 20 किलो न्यूटन लोड आपको और एड कर दें। तो हम पहले ये पहले एरिया निकाल लें। अगर सिंपल एरिया का डायमीटर आपको 20 mm सबके लिए है तो सिंपल एरिया ए इक्वल टू पाई बाई 4d² तो पाई बाई द वैल्यू अगर ए इक्वल टू 100 πmm² तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा इनिशियल जब आपका लोड कितना है 25 किलो न्यूटन लोड दिया हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई मतलब है 3 बार्स और तीनों का डायमीटर सेम हो तो ए इक्वल टू पाई बाई 4d² था, 3 बार्स हैं, 3 तो उनका मल्टीप्लाई कर दिए, 25 किलो न्यूटन को चेंज किया 25,000 × 100 π × 3 तो वैल्यू 26.53 MPa। ऑन एडिंग ए फर्दर लोड, जब आपने फर्दर 20 किलो न्यूटन लोड एड कर दिया, लेट द इंक्रीज द स्ट्रेस। जब आपका 25 किलो न्यूटन लोड था, स्ट्रेस मिला 26.53। जब आपका 20 किलो न्यूटन लोड और एड कर दिया, मींस क्या हो गया, अब अगर कंडीशन कंसीडर करें जो आपका पी होगा मतलब पी मतलब लोड दोनों कंडीशन के लिए सेम होगा, पी एस मतलब पी स्टील, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है पी इक्वल टू P1 + P2 + P3, मीन्स जितने भी सेक्शन होंगे टोटल पी होगा, जैसे यहाँ पे पी वन की जगह स्टील कर सकते हैं, पी कॉपर की जगह है पी टू की जगह पी कॉपर कर सकते हैं, तो पी इक्वल टू पी स्टील प्लस पी कॉपर। और जो इलांगेशन होगा दोनों सेक्शन के लिए सेम होगा, डेल एल स्टील इक्वल टू डेल एल कॉपर। तो बस यही फॉर्मूला, दो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम आगे यूज करने वाले हैं। टू सिग्मा इक्वल टू होता है पी ए या पी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, एक फॉर्मूला सिंपल सा हमने फॉर्मूला आपको पीछे फिर से पीछे जा रहे हैं दिखाने के लिए। सिग्मा इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला था सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए या पी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सेम यहाँ पे हमने वही चीज किया है, पी इक्वल टू 2 σs का मतलब हुआ 2 स्टील बार्स, सिग्मा सी मतलब आपका कॉपर, ए मतलब एरिया, तो पी इक्वल टू यहाँ हम लिखिए सिग्मा ए या सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, तो पी इज इक्वल टू 2 σs + σc इंटू ए यानी 100 π, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो इक्वेशन एक बन गया 2 σs + σc इंटू 100 π इक्वल टू 20 किलो न्यूटन इन 20,000, इधर इक्वेशन नंबर वन, एक इक्वेशन बन गया सिग्मा के फॉर्म में। अब दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ किया इक्वेशन लोड के फॉर्म में, दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा सी कॉपर एल सी अपॉन ई सी, सिग्मा एस एल एस अपॉन ई एस, एल एस सिग्मा एस ई एस आपको रिप्रेजेंट करेगा स्टील का, सी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपको कॉपर का, यहाँ पे क्या होगा स्ट्रेन डेल एल वन मतलब कॉपर के, डेल यहाँ डेल एल सी लिख कर सकते हैं, डेल एल टू की जगह लिख सकते हैं डेल एल एस स्टील के लिए, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें सिग्मा सी इक्वल टू लिख सकते हैं एल एस अपॉन एल सी इंटू ई सी अपॉन ई एस इंटू सिग्मा एस, सबकी एल एस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट एल एस मतलब आप दैट इज स्टील 3.6 मीटर, 2.8 मीटर स्टील के लिए, और आपका डिस्टेंस ई सी और ई एस की वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा एस और सिग्मा सी के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा, सिग्मा सी इक्वल टू सॉल्व करने के बाद 0.627 σs, दैट इक्वेशन वन जो सिग्मा एस और सिग्मा सी के फॉर्म में है वो इक्वेशन भी है, तो हमने यहाँ सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर वन में, सिग्मा एस की वैल्यू अब दोनों हो गया 2 σx σs प्लस 0.627 σs इंटू 100 π इक्वल टू 20,000, सिग्मा एस की वैल्यू हमें फाइंड कर लिए, सिग्मा एस की वैल्यू इक्वेशन वन या टू किसी में कहीं भी पुट कर दे सिग्मा सी की वैल्यू मिल गई। फाइनल स्ट्रेस स्टील बार हमने पहले देखा था जो हमने पहला मिला था, अगर टोटल अब स्ट्रेस की बात की जाए, जब आपने 20 किलो न्यूटन लोड को ऐड कर दिया तो जब आपने 25 किलो न्यूटन था तो लोड था 26.53, जब आपने 20 किलो न्यूटन लोड और ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी मिली हमें 20 σs के लिए 24.23, तो दोनों को ऐड कर दिए 50.76 MPa। सिमिलरली सिग्मा सी 15.19 + 26.53 41.72। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।